तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के अंदर तकरीबन 20 से 25 करोड़ लोग डेली बेसिस पर मल्टीविटामिन का धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज के मल्टीविटामिन किस बंदे को यूज करने चाहिए और सेकेंड चीज मल्टीविटामिन्स को जरूरत से ज्यादा यूज करते हो तो ऐसे में आपको अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, अगर आप किसी जिम में जाते हैं या वर्कआउट करते हैं या आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है, वीकनेस होती है, थकान होती है, तो ऐसे में सबसे पहली चीज आपके माइंड में आती है कि कोई अच्छा सा मल्टीविटामिन कंज्यूम कर लिया जाता है और आप उसको अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या फिर किसी एडवाइस के। अगर आप थोड़ी बहुत वर्क करते हैं तो आप गूगल पे जाके उस चीज को सर्च कर लेते हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर वाले से उस चीज के बारे में एडवाइस ले लेते हैं कि कौन सा मल्टीविटामिन सबसे बेहतर होता है। दोस्तों मल्टीविटामिन अगर आप दो वक्त का खाना आराम से खा रहे हैं और साथ में एक से दो गिलास दूध या महीने में दो अच्छा सा जूस वगैरह ले रहे हैं, आपको कभी भी एक सिंगल मल्टीविटामिन टैबलेट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मल्टीविटामिन टैबलेट के अंदर विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आपको पानी वगैरह से मिल जाते हैं और आपके विटामिन्स वगैरह या कैल्शियम D3 जो भी है, अगर आप दो वक्त का खाना खा रहे हैं तो वहां से आपकी जो डेली बेसिस की नीड होती है वो पूरी हो जाती है। विटामिन्स ऐसे लोगों के लिए बनाए गए हैं जो अपना खाना प्रॉपरली तरीके से खा नहीं पाते या फिर प्रेगनेंसी में या फिर उनको लॉन्ग टर्म कोई डिजीज हो गई है जहां पे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको मल्टीविटामिन्स की एडवाइस की जाती है, ना कि आपको जस्ट थकान हुई या कोई भी माइनर सा सिम्टम हुआ और वहां आपने अपना उठा के मल्टीविटामिन को ऐड कर लिया।